ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कोविड संक्रमण ने छत्तीसगढ़ में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्रीय महामारी नियंत्रण विभाग के जारी आदेश पर राज्य सरकार प्रदेश के हॉस्पिटलों में पर्याप्त मेडिकल व्यवस्था करा रही है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कोरोना के 5 नए मरीज फिर मिलने से हड़कंप की स्थिति है। नए केस के मिलने के साथ ही अब प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। सभी मरीजों में कोरोना का वेरिएंट जानने के लिए सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर स्थित वायरोलॉजी लैब भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को रायगढ़ और बस्तर में 2-2, रायपुर में 1 मरीज मिला है। अब रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि सभी मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है, फिलहाल सभी की स्थिति ठीक है। संक्रमण कुछ राज्यों में बढ़ा है कोविड का, उसके तहत रायपुर जिले में भी एहतियात के कदम उठाए गए शासन निर्देश, और जो लक्षण वाले लोग हैं उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSC जिला अस्पताल में सैंपल लिए जा रहे हैं, जो जिनको लक्षण सर्दी खांसी बुखार के। वर्तमान में स्थिति बेहतर है और अभी तक 5 एक्टिव केस हैं जो हम आइसोलेशन में हैं और सभी ठीक हैं। जब भी होम आइसोलेशन में ही है, और संक्रमण जिनको है वो घर पर रहकर दवाई के साथ, अभी स्थिति सभी की ठीक है, सभी स्वस्थ है। कोरोना के नए वेरिएंट के दिल्ली में दस्तक देने के बाद स्वास्थ्य विभाग एहतियात बरत रहा है। प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना से निपटने समुचित व्यवस्था करें। फिलहाल अभी प्रदेश में कोरोना संक्रमण से नुकसान नहीं पहुंचा है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।